क्या ऋतिक रोशन हॉलीवुड फिल्म 300 के तीसरे पार्ट में नजर आएंगे? ऋतिक रोशन को चाइल्डहुड में किन किन एक्ट्रेसेस पर क्रश था? ऋतिक रोशन ने और किन किन फिल्मों को साइन किया है? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। बॉलीवुड के बेहद स्टाइलिश एक्टर और सुपरस्टार ऋतिक रोशन पिछले कुछ दिनों से एक से बढ़कर एक फिल्में दे रहे हैं। वहीं हाल ही में उनसे जुड़ी एक खबर सामने आई है जिसे सुनकर उनके फैंस बेहद खुश हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन बहुत ही जल्द हॉलीवुड में एंट्री कर सकते हैं। जी हां, खबर आई है कि अमेरिका की किसी एजेंसी ने ऋतिक को हॉलीवुड के लिए एक प्रोजेक्ट ऑफर किया है। वहीं ऋतिक के मैनेजर ने बताया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भी भर दी है। अब ऋतिक हॉलीवुड की एक बिग बजट फिल्म के सीक्वल में काम करने जा रहे हैं और जिसका नाम आप जानते ही हैं, 300 मूवी। 2006 की अमेरिकन पीरियड एक्शन फिल्म है। इसके बाद इसका सीक्वल आया, अब इसके बाद इसका तीसरा पार्ट बनने जा रहा है जिसमें ऋतिक रोशन से बात की जा रही है। वैसे तो यूनान में बहुत से युद्ध हुए हैं, लेकिन पर्शिया के खिलाफ 300 यूनानी सैनिकों के साथ लड़े गए युद्ध की कहानी लोग आज भी नहीं भूले हैं। इस युद्ध में पर्शिया ने एक विशाल सेना के साथ यूनान पर हमला कर दिया था। उनके पास ढेर सारे आधुनिक हथियार भी थे। माना जाता है कि उनकी तुलना में यूनानी बहुत कमजोर थे, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के चलते उन्होंने पर्शिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। हॉलीवुड फिल्म की कहानी इसी पर बेस्ड है, लेकिन फिलहाल ऋतिक की तरफ से इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अगर ऐसा हुआ तो सुपर 30 और वॉर के बाद अब ऋतिक रोशन हॉलीवुड में भी धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। इस समय वो अपनी आगामी फिल्म क्रिश 4 की शूटिंग में व्यस्त है। बता दें कि फिल्म क्रिश 4 फिल्म कोई मिल गया की फ्रेंचाइजी है जिसे ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था। वहीं इन दोनों ये अफवाहें भी उड़ रही हैं कि जल्द ही ऋतिक रोशन सौरभ गांगुली की बायोपिक में भी नजर आ सकते हैं। जी हां, बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर करण जौहर बहुत ही जल्द सौरभ गांगुली पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। करण और सौरभ गांगुली ने फिल्म को लेकर मुलाकात भी की है, लेकिन करण फिलहाल हीरो की खोज में लगे हुए हैं। वहीं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में सौरभ गांगुली ने बताया था कि अगर कभी मेरी बायोपिक बनेगी तो मैं चाहूंगा कि ऋतिक रोशन मेरे किरदार को निभाएं। अब देखना यह होगा कि क्या सच में करण सौरभ गांगुली के रोल के लिए ऋतिक को कास्ट करते हैं या नहीं। वहीं कुछ दिन पहले खबर आई थी कि ऋतिक और अक्षय कुमार एक पीरियड ड्रामा फिल्म में नजर आ सकते हैं। ये फिल्म बड़े स्केल की बताई जा रही है, हालांकि अभी तक इस बात को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है। ऋतिक रोशन अपने बचपन में फिल्म अभिनेत्री मधुबाला और परवीन बॉबी पर मरते थे। तो दोस्तों, क्या आप ऋतिक रोशन को 300 के तीसरे पार्ट में देखना चाहेंगे? आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।